It's a great honor for me to speak in front of you in such an auspicious day. ये मेरे लिए बहुत ही सुखद क्षण है कि मैं आप लोगों के बीच सीतामढ़ी की धरती पर पावन धरती पर शहीद रामपुर मंडल की धरती पर पटना जिला से यहाँ जो है बोलने आकर के जो आप लोगों के बीच में अपनी बातों को रखने का मौका मिला हो, ये मेरे बहुत ही प्राउड मोमेंट है, बहुत ही जो है क्या मोमेंट ऑफ जॉय है। और होता है इस चीज़ के लिए मैं अपने अभिभावक स्वरूप राम नरेश मंडल जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा सीतामढ़ी में दूसरा आगमन है। इससे पहले मैं 23 अगस्त को माननीय मंत्री सरवन जी के साथ जो है जो शहादत जो दिवस जो था 23 अगस्त को, उस दिन में आकर के उस दिन में मैं आप लोगों के बीच में कुछ बोला था, कुछ बातों पर मैंने ध्यान आकृष्ट कराया था, लेकिन ज्यादा समय उस दिन मुझे नहीं मिल पाया था तो मैं अपनी बातों को स्पष्ट रूप से नहीं रख पाया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। आई एम प्रियदर्शी पीयूष, आई एम फ्रॉम द बांका डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। आई हैव मास्टर्स इन सोशल वर्क फ्रॉम टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, दैट इज इन मुंबई। एंड टुडे आई विल बी स्पीकिंग ऑन द ग्रेट शहीद रामपुर मंडल एंड हिज वर्क एंड हिज आइडियोलॉजी। आज मैं महान शहीद शहीद रामपुर मंडल के जीवन पे कुछ अपने विचार रखूंगा। इसके अतिरिक्त अति पिछड़ा और धार्मिक समाज की जो वर्तमान सामाजिक और राजनीतिक स्थिति है उस पर विचार रखूंगा, और समाज को आगे क्या करना है जो मुझे लगता है अपने नजरिए से, मैं उस पर थोड़ा जो है आप सभी लोगों का ध्यान आकर्षित करूंगा। तो सबसे पहले हम लोग ये चर्चा करते हैं कि शहीद रामपुर मंडल कौन थे। कहा जाता है शहीद रामपुर मंडल जो है वो क्रांतिकारी थे, ही वॉज अ रेवोल्यूशनरी। तो यहाँ बहुत सारे लोगों को क्रांतिकारी रेवोल्यूशनरी शब्द जो है उसका मैंने ये नहीं बोला कि नहीं पता होगा, लेकिन मैं अपने तरह से ब्रीफ डिफाइन कर देता हूँ। क्रांतिकारी उन लोगों को बोलते हैं जो वैचारिक तौर पे सत्ता में परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं या परिवर्तन सक्सेसफुली कर पाते हैं, उन लोगों को क्रांतिकारी बोला जाता है। मतलब क्रांतिकारी बस जो है कोई स्वतंत्रता लड़ता है या कोई लड़ाई करता है उस तरह से जो है, मतलब जो है 1857 देख लीजिए, 1947 देख लीजिए, तो उसी को नहीं बोलते हैं। कोई भी जो मौजूदा व्यवस्था है, जैसे भी वर्तमान सरकार है, उसके विचारों के विरुद्ध में जाकर आप कुछ नया परिवर्तन करने की चेष्टा करते हैं, परिवर्तन कर सक्सेसफुली कर पाते हैं, तो आपका विचार जो है वो क्रांतिकारी। ये एक सिंपल डेफिनेशन है क्रांतिकारी का। आप बोलिएगा फिर तो क्रांतिकारी का डेफिनेशन तो विद्रोही को बोलते हैं। विद्रोही उन लोगों को बोलते हैं जो सत्ता में परिवर्तन का कोशिश तो करते हैं लेकिन उनका कोई स्पष्ट विचारधारा नहीं होता है, कोई ब्लूप्रिंट नहीं रहता। मतलब विद्रोही तो कह सकते हैं कि जैसे आपके बच्चे हैं तो किसी बात को लेकर के आपका विद्रोह करते हैं, मतलब दे आर अगेंस्ट यू, मतलब योर किड इज अगेंस्ट यू, तो उसको भी विद्रोही बोला जाता है। लेकिन आपके बच्चे के पास कोई स्पष्ट ब्लूप्रिंट नहीं है आपके खिलाफ जाकर के कैसे आप अपनी बात मनवाएंगे, तो उसको विद्रोही कहा जाता है। तो ये जो है एक क्या बोलते हैं स्लाइट डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस है आपका क्रांतिकारी और विद्रोही के बीच में। तो शहीद रामपुर मंडल जो थे वो विद्रोही नहीं थे, शहीद रामपुर मंडल एक क्रांतिकारी थे। मतलब वो जो उनका जो एक्ट था या जो वो जो कार्य कर रहे थे, या उन्होंने जो आपके जो है जो दरोगा के अलावा जो चार सिपाहियों को जो है, मैं हत्या नहीं बोलूंगा, मैं उस पे बोल सकता हूँ संहार। हत्या के शब्द जो है मुझे कहीं ना कहीं अनुचित लगा, तो उसको बोलता कि संहार किया उन्होंने, तो वो कोई विद्रोही कदम नहीं था, वो एक क्रांतिकारी कदम था। क्यों? क्योंकि उनके पास एक स्पष्ट विचारधारा थी, एक ब्लूप्रिंट था कि इस एक्ट के द्वारा, इस कृत्य के द्वारा हम जो है उस अत्याचारी सामंतवादी और जो है जन विरोधी जो है सत्ता को उखाड़ फेंकेंगे। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है कि उन्होंने जो है एक क्रांतिकारी भाव से
उस समय जो ये समकालीन भारत की जो ब्रिटिश जो शासक थे उसके खिलाफ जो उन्होंने संघर्ष करने का बीड़ा उठाया और उनसे जो भी हो पाया, मतलब अकेले तो सब कुछ नहीं कर सकते थे, उनसे जो भी हो पाया उन्होंने किया। और ये बहुत बड़ा कदम था क्योंकि समझ सकते हैं कि 19 साल क्या उम्र थी, 19 साल के समय जो है अभी जो मॉडर्न टाइम में 2023 में देखते हैं कि 19 साल के बच्चे को कुछ समझ नहीं आता है। तो उस समय जब जो है भारत जो है में जो है लिटरेसी रेट इतना लो था, लोग जो है अपने ही जो है प्रखंड से बाहर कभी जीवन में नहीं निकलते थे, तो उस समय 19 वर्ष की आयु के जो युवक है उसकी क्या मनोस्थिति होगी। तो ये अपने पे बहुत बड़ी बात है और इस चीज के वजह से मैं शहीद रामपाल मंडल को अन्य क्रांतिकारियों से काफी ऊपर की श्रेणी में रखता हूँ। अन्य क्रांतिकारी थे वो, उनके पास एजुकेशन था, उनके पास एक्सपीरियंस था, वो